बंद कर दिया। सबसे पहले ये चैम्बर फिट करेंगे हम, इसको ऐसे रखिए, ये क्लैंप्स ऐसे लगाने हैं। ऐसे बड़े आराम से इसकी नोजल इसके सामने रखकर, इसके सामने रखें और इसको आराम से ऐसे फिट कीजिए। सेकंड वाले को अपने सामने की तरफ ये हीटर है, यह एक में दो लगेंगे क्योंकि 4 लीटर पर हार के हिसाब से बना हुआ है। ये इसकी थर्मोस्टेट है, ये ऐसे चारों हीटर फिट हो जाएंगे। यह सेंसर पहले वाली स्टेज में डिप करना है। इसको ऐसे पानी में डिप कीजिए, यहां लगाना है, उसके बाद इसको यहां लगाना है, जो इसकी वाटर बाहर आएगा उसको यहां लगाना। और जो टैप से पानी आएगा, टैप से कनेक्ट करके आपको नीचे वाले में लगाना। टैप से पानी आएगा, इसको फिल करेगा, यहां से बाहर आएगा, सेकंड को फिल करेगा, यहां से जो बाहर आएगा ये पहले वाली स्टेज में आ जाएगा। ये इसका ओवरफ्लो,
पीछे से बना लो। ये ओवरफ्लो है, जिस टाइम पानी इसमें चैम्बर में अपने लेवल से ऊपर होगा तो यहां से बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये वेस्ट वाटर है। जब स्टीम बनेगी तो यहां से डिस्टिल वाटर बाहर आना स्टार्ट होगा। इसको ऐसे डिप करके, जो भी आपने ट्यूब चढ़ानी है इसको ऐसे डिप करके चढ़ाइए। इसका डिस्टिल वाटर इसके अंदर आ जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। ये पूरी फिटिंग ऐसे होगी जब आपने चलाना है। ये इसकी मेन वायर है, इसको प्लग करना है, इसको यहां से ऑन करना है। ये बीप करने लगेगा, मैं आपको दिखाई दे, और यहां से ये पावर सप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। अब आपने पहली स्टेज के लिए जब पहला हीटर यूनिट चलाएंगे तो ये दोनों हीटर्स ऑन हो जाएंगे। ये थर्मोस्टेट आप सेट कर सकते हैं, आप इसको 60 से 65 के बीच में ही रहने दीजिए। और आपने जब इससे ये फिल हो जाएगा, इसके हीटर डिप हो जाएंगे, तब आपने सेकंड यूनिट ऑन करनी है एंड आपको फाइनली आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा सेकंड स्टेज का। ये बीप इसलिए बज रहा है कि आपकी यूनिट में अभी हीटर ऑन नहीं हुआ है। जैसे इसको वाटर लेवल मिलेगा ये आपके हीटर स्टार्ट हो जाएंगे। पूरी यूनिट वर्क करने लगेगी, आपको फाइनली आउटपुट देने लग जाएगा।